हाय गाइस, राम राम जी, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? जय माता दी। और भाई साहब, नवरात्रे खत्म हो गए हैं, कल नौमी पूजन हो गया था, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे फास्ट अभी भी चल रहे हैं और बस उसी की, जैसे कुछ भी खा रही हूँ या कुछ इस तरीके से जो भी हो रहा है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे व्रत चल रहे हैं अभी भी। तो ऐसा ही फील हो रहा है, होता है कई बार, ऐसा ही होता है क्योंकि जब हम पूरे व्रत रखते हैं ना, तो हमारे साथ कई दिनों तक ऐसा होता रहता है, तो हमें फील होता है कि हमारे व्रत अभी भी चल रहे हैं क्या। श्योर करना पड़ता है, मुझे तो कम से कम ऐसे करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं आगे की। ये देखिए, मैंने जो ये मनी प्लांट है ना, ये देखिए, इसकी जो वीडियो है वो कल जानी थी, बट वो कल क्यों नहीं गई, क्योंकि कल नवरात्रे थे, मतलब नौमी पूजन किया था, तो उसका व्लॉग मैंने डाल दिया था, कल शेयर कर दिया था आप लोगों से, आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा हो तो जाकर देख के आइए, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी अगर आप जाना चाहते हैं तो। मेरा जो नवरात्रों की सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए मेरी में, और नवरात्रों की सारी सीरीज़ देख लीजिए कि मैंने नवरात्रि व्रत कैसे कैसे रखे थे। तो चलिए उसके बाद मैं बताती हूँ आपको। जो मैंने ये है ना, इसका ये देखिए, इतनी मोटी सी मैंने इसकी स्टिक बनाई है ये, और ये देखिए मैंने कबाड़ से जुगाड़ इसमें भी कर दिया है। ये यहाँ पर वाइपर का डंडा है, जो वाइपर नीचे से टूट जाता तो आप पहचान गए होंगे कि ये वाइपर का डंडा है, ये देखिए। और इसमें मैंने ये जो स्टिक बनाई है, और ये देखिए जो नहाने वाला हमारा बाथरूम में लूफा होता है ना, वो उसका एक मैंने ये निकाल लिया था और ये इसके ऊपर लगा दिया। तो इसकी जो मेरे बनाने की वीडियो है कि मैंने इसको कैसे कैसे बनाया, मैंने और वैभव आर्चिक ने बनाया था इसको, भाई साहब पूरी जद्दोजहद करनी पड़ी, हमें लगभग 2-3 घंटे लग गए इसको बनाने में, इसका जुगाड़ करने में। और बस ये मेरा खूबसूरत सा एक मनी प्लांट का जो है मोटी सी स्टिक बन गई है। अब इसको खाने की कमी नहीं होगी, कम से कम मैंने इसके खाने का बहुत ही अच्छे से इंतजाम कर दिया ताकि इसके पत्ते बड़े बड़े सो जाए। तो चलिए आपको दिखाती हूँ इसकी वीडियो कि मैंने इसको कैसे कैसे बनाया था, वो सारा देखिए आप। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया था, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बना सकते हैं। तो आज मैं फिर से बनाने जा रही हूँ एक DIY। ये है जाली जो हमारे गार्डन में लगाई जाती है ना फेंसिंग के, तो उससे जैसे हेज वगैरह लगाते हैं उसके साइड में ही लगा देते हैं, वही वाली जाली है। और मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि मैं जब इसे लेकर आई थी, तो चलिए मैं इस्तेमाल करूँगी इसका। और एक ये जो लूफा होता है ना जो हम बाथरूम में नहाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें से एक मैंने इसका ये ले लिया, इसका यूज़ करूँगी। तो देखते जाइए मैं क्या क्या बनाती हूँ इसका। और एक ये है लॉक टाई जो बोलते हैं, जिसको जो लॉक लगा दिया जाता है, ये यूज़ करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक, और स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा DIY बनने वाला है। यहाँ पर ये हमने ये देखिए ये इससे बांध दिया है इसको और रोल बना दिया है, देखिए ये रोल बन रहा है ना, ये देखिए और ये रोल बना दिया है। और ये बहुत सारे लॉक टाई जो होते हैं, जो भी होता है, ये जिप टाई हमने लगा दिया है। और अब हम इसको कट कर देंगे, लेकिन कट कैसे करेंगे हम ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस भाई साहब को ज्यादा ही जल्दी लग रही है, आप कर लेना कट। ये देखिए मैं इसको पहले अंदर करूंगी, और ये देखिए इसको अंदर करना है पहले ताकि ये बाहर ना निकले। इसको ऐसे अंदर करके और यहाँ से इसको कट कर देंगे, तो ये अंदर ही रहेगा। और तो इसे अंदर ही कर देंगे ना कट। हाँ, कट करने के बाद कट करने की जरूरत ही क्या है, तो प्लास्टिक देने की जरूरत क्या है बेटा, ज्यादा अंदर हमारे पौधों के लिए हम सब होगा प्लास्टिक तो ये पहले ही काट दे अंदर से। गुड, आराम से हाथ मत कटवा दो, ऐसे सारी काट दो। और जो है ना आज इस वाले बच्चे का इलाज हो रहा है, इसको बहुत छोटा सा पॉट मिला हुआ उस दिन से और मेरे से हो नहीं पा रहा था, बट आज हिम्मत करके, आज आर्चिक की छुट्टी है, एग्जाम्स हो गए इसके कंप्लीट, तो आज हमने सोचा कि आज हम इस बच्चे को एक नया पॉट देंगे और अच्छा सा पॉट दे देंगे। बेटा आप इतने काटिए। और ये देखिए ये मेरी बाल्टी थी ना, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें जो है हमने छेद किए थे, अब इसमें ही ये लगेगा और ये पौधा इसी के अंदर लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हम लगाएंगे, आप बने रहिए मेरी वीडियो में। क्या हुआ? एक बोल्ट अटक गया है।
ये देखिए हमारी जो स्टिक है ना बहुत ही मोटी सी हमारी स्टिक तैयार हो चुकी है और अब इसमें हम क्या क्या भरेंगे क्या क्या नहीं भरेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। आजा। ऐसा कर तू नाच पहले जा पार्टी रखो डांस कर और कर जी भर के कर तू डांस आज। तो भाई साहब यहाँ पर हमने भर लिए हैं ईंट के टुकड़े। ये जो ईंट के टुकड़े होते हैं ना ये वाटर को होल्ड कर लेते हैं और हमारे पौधों में ठंडक बनाए रखते हैं क्योंकि ईंट जब गीली होती है तो ठंडी हो जाती है तो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। और हम अब जा रहे हैं एक डंडा तलाशने खोज करने जा रहे हैं कोई डंडा हमें मिल जाए इसके लायक। तो चलते हैं अपने स्टोर रूम में। चलिए चलिए भाई साहब ये है हमारा स्टोर रूम यानी कि डोरीमोन का। नहीं 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 क्यों? अरे तो प्लास्टिक का चाहिए इसमें वो लग जाएगी। ए यार तू भी ना ये क्या पड़ा देखियो ये क्या पड़ा है वाइपर देख जरा वाइपर वाइपर है इसमें वाइपर भी है क्या इसमें ये बढ़िया ये ले आ ये ठीक है। तो हमें बहुत ही जल्दी मिल गया भाई तो चलो जयकारा बोल दो हमें मिल गया बहुत जल्दी जय माता दी। ना लेके आना डंडा लेके आ दिखा हम ये जो कपड़ा है ना ये लगा देंगे इस पर। तो आइए आपको क्लोजली दिखा देते हैं अब लगा देंगे मुझे ला दे तो जल्दी जा बिल्कुल ऐसा ही उठा के लाते हैं सामान। आर्ची का आवाज लगा रहा है चलिए देखते हैं कौन कौन सा सामान उठाना है। धूप हो रही है बहुत जोर से ये कट्टा है मिट्टी का खाद का और ये कटिया है हमारी कूलर। चलो तो ये है कूलर की जो टटिया होती है ना कूलर की घास वो भी हम यूज़ करेंगे। ये पुरानी थी हमें फेंकनी थी तो मैंने यूज़ कर लिया इसको यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए कैसे कैसे मैं इसको यूज़ करूँगी ये इसमें हम इसको ऐसे बीचों बीच लगा देंगे ये देखो बीचों बीच हमने ये लगा दिया है इसके और ये टिक गई है यहाँ पर। और ये देखिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ ये देखिए यहाँ पर हमने इसको रख दिया है और ये डंडा इसके बीच में रख दिया है ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रही है तो चलिए अब हम इसको सेट करते हैं पहले ठीक है। पहले हम क्या करेंगे इसके चारों तरफ घास लगा देंगे और इसके अंदर भी घास लगाएंगे। दे बेटा घास दे ये घास इसके चारों तरफ भर दे थोड़ी थोड़ी सी डालेंगे तो नीचे दे। एक इस तरफ और डाल दे थोड़ी सी ये दे। आप जाली को ऐसे पकड़ कर रखें ताकि अपनी जगह से ना हिले और इसको इस तरीके से भरते जाइए इधर की तरफ। अब हम इसमें कर देते हैं एक मिट्टी की लेयर डाल दे बेटा बस इसमें बहुत है ये और मत डाल। अब इसमें नीचे डाल दे भर दे पूरा आर से बंध रही है बस ये नवज पकड़ में आ जाए इसकी तो हम कर देंगे आ गई पकड़ में। वी आर अ गुड डॉक्टर MBBS कर रखी है यार पौधों में हंसते क्यों हो MBBS ही होती है जो पौधों के बारे में जानता है तो वो MBBS ही तो हो गई मेरी जान। इसे कार्ड पे आंख में लगेगा रुक जा ऐसे नहीं निकलेगा जैसे तू सोच रहा छोड़ इसे आंख में क्यों लगेगा जब तू छोड़ दे इसे जब ही तो नहीं लगेगा। धीरे धीरे
पत्ते ना टूट जाए, वो बन रही है ना। दो वीडियो एक साथ चलो, धीरे धीरे बेटा धीरे धीरे। गुड, अब इसे खींच ले, रुक ए, इसको हाँ रुक जा ऐसे। ये देखिए भाई साहब, अवार्ड मिल गया है आर्चिक को मनी प्लांट का। क्या भाई ये देखिए क्लीन, बस ये देखिए इसकी रूट्स, रूट्स देख के तो खुश हो जाएंगे। दिखाइए आर्चिक एक बार रूट्स, दिखा ये देखिए, ये देखिए इसकी रूट्स भाई, मजा आ रहा है। रूट्स ही रूट्स भरी पड़ी हैं इसकी इतनी सारी। आर्चिक की हालत, हाथ पैर सब गोबर में, गोबर का है, गोबर है खाद, गोबर की। बेटा तुझे बताई इसलिए तो नहीं थी, नहीं को गोबर की खाद है। हाँ गोबर की खाद है, बता तुझे पक्का। ये मजा, ये देख लो इस पर चिपकी हुई है, ये देखो किस पे। हाँ ऐसे ही चिपक जाती हैं, लोहे पे चिपकी हुई है, ऐसे ही चिपक जाती हैं। पहले हम इस पे पानी डालेंगे फिर छुटाएंगे इसको, ठीक है। ये देख, ये देखिए रूट्स इसकी, ये देखिए भाई, ये मतलब ऐसे कर रखी देखो उसने, ये देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ। ये रूट्स, ये देखिए इसने कैसे इसकी, ये देखिए कैसे जकड़न की हुई है, झप्पी ले रखी है, ये देखिए झप्पी ले रखी है इसकी। रुक ये पत्ते वाली रस्सी से हम बांध देते हैं और यहां से बांध देते हैं। कंप्लीट, अब बस उसमें पानी देना बाकी है। और भाई साहब हमें पूरे 2 घंटे से, 2 आई थिंक 2.5 घंटा लग गया होगा हमें उसे करने में। पूरा आर्चिक भी पसीनों में तर हो चुका है, झाड़ू वाड़ू यहाँ लगा दी। अब हम इसमें पानी देने वाले हैं, पानी देने से पहले हम इसको टब के अंदर रख देंगे ताकि यहाँ कीचड़ ना हो। पोछा तो हमें यहाँ लगाना, बट बहुत ज्यादा कीचड़ नहीं थी क्योंकि पानी अच्छे से हमें देना है। मेरा बाहुबली रखेगा इसको इसके अंदर, बाहुबली को। ये देखिए ये भी बाहुबली जैसा ही लग रहा, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा है। आराम से, यस, ओए दैट्स लाइक अ गुड बॉय। चलिए चलिए
चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं इसकी खूबसूरत सी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही। थैंक यू। ये भी बहुत खूबसूरत है ना बच्चा, और ये भी मेला बच्चा है। ये देखिए कितना बड़ा है, इसकी जो स्टिक आप देखेंगे ना तो इतनी बड़ी, इतनी चौड़ी है। ये मेरा आइडिया था पूरा, और ये सारा आर्चिक का आइडिया था। इसमें स्टिक बांध दी हमने, जो कूलर की वो डंडियां थी ना, हम कह रहे थे काम में ले लेंगे हमें, तो ये काम हमारे आ गए। नीचे से हमने इसको सपोर्ट दे दिया इस जाली को, ताकि ये फैले ना। बेटा पानी भर गया बाल्टी, ले गया। तो देखिए टोटली हमारा एक्स्ट्रा जो मटेरियल था ना, उससे हमने ये बनाया खूबसूरत मनी प्लांट का एक मोस्टिक विल स्टैंड हमारी बन गई है। बाल्टी है जो हमारी चाय की पत्ती के साथ फ्री आई थी, ठीक है। फिर ये था, ये लूफा था हमारा जो नहाने का होता है, वो हमने इसमें लगा दिया। ये जाली में ये बाल्टी जो हमारा वाइपर होता है ना, उसका डंडा है, ये हमने इसमें बीच में लगा दिया। तो बेटा आराम से मैं लगाऊंगी पानी, नहीं आप नहीं लगाऊंगे। नहीं तो पता तो है कैसे लगाना, कैसे लगाना बता। पहले नीचे नहीं, पहले ऊपर पहले, हाँ आराम आराम से। बच्चा अच्छे से सेट हो जाना, ठीक है। अब आप बिल्कुल ठीक हो, बंदी बंदी बनाना। अब आप बिल्कुल ठीक हो, ओके, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वाह, देखा भैया ने तुझे कितना सेट कर दिया अच्छे से, आर्चिक भैया ने।